नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ आफरीन। यूपी उत्तराखंड की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे देहरादून की। आपको बता दें, उत्तराखंड क्रांति दल ने डोईवाला में पानी की समस्या और अधिक बिल की समस्या पर जल संस्थान में प्रदर्शन किया है और अधिकारियों को ज्ञापन देकर समस्या के समाधान की मांग की है। इस अवसर पर यकेड़ी के पूर्व विधायक और संस्थापक दिवाकर भट्ट ने भी जल संस्थान कार्यालय पहुंचकर यकेड़ी के प्रदर्शन को लेकर कहा है कि डोईवाला VVIP विधानसभा होने का दंश झेल रहा है और अधिकारी मनमानी कर जनता की समस्याओं की अनदेखी कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी नेताओं ने कहा कि अगर जल संस्थान ने जल्द सभी मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं की तो फिर यकेड़ी बड़ा जन आंदोलन करेगा। VVIP विधानसभा होने के कारण ही ये समस्याएं सामने आ रही हैं, क्योंकि यहाँ के विधायक जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, पेयजल मंत्री जी भी हैं, बिजली मंत्री जी भी हैं, लेकिन क्षेत्र की समस्याओं को ध्यान देने के लिए उनके पास समय ही नहीं है। और ये लगा लीजिए कि पिछले 6 महीने से वो 4 बार क्वारंटाइन हो चुके हैं। यहाँ की पब्लिक का खुद ही कहना है कि अगर हमें ये पता होता कि यहाँ के विधायक जी, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उनको अगर हम लोग वो अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम उन्हें विधायक भी नहीं बनाते। इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर बिहार चुनाव में सीएम योगी की एंट्री आज से शुरू हो गई है। आपको बता दें कि सीएम योगी आज से रैलियों का आगाज करने जा रहे हैं, साथ ही बिहार चुनाव में 6 दिनों में 18 रैलियां सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। आपको बता दें कि रामगढ़ में सीएम योगी की पहली जनसभा है और इसके अलावा अरवल विधानसभा में जनसभा करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। साथ ही आपको बता दें कि रोहतास के काराकाट विधानसभा में 2 बजे जनसभा सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अब बिहार चुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की आज से एंट्री होने जा रही है। लगातार ताबड़तोड़ रैलियों का आगाज आज से करने वाले हैं और कई कार्यक्रमों में सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री आज से 18 रैलियों का आगाज करने जा रहे हैं। रामगढ़ में सीएम की पहली जनसभा है। आपको बता दें कि बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल थे, जिसको लेकर आज उनकी रैलियों का आगाज हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अरवल विधानसभा में जनसभा भी सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे और इसी के साथ रोहतास के काराकाट विधानसभा में आज 2 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा करेंगे। साथ ही जीत का मंत्र देते हुए जनता को, साथ ही कार्यकर्ताओं को दिखाई देंगे। उत्तर प्रदेश के फतेहाबाद से 3 बहनों के लापता होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि तीनों बहनें सोमवार को दोपहर घर से करीब 100 मीटर दूर ट्यूशन पढ़ने गई थी, तब से तीनों बहनें लापता हैं। वहीं परिजनों के तलाश के बाद लड़कियां नहीं मिली तो परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस को दे दी। वहीं सूचना पाकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, साथ ही मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, साथ ही पूछताछ में पता चला है कि लड़कियों को दिल्ली के लिए ले जाया गया था और साथ ही कहा है कि टीमें दिल्ली के लिए अब रवाना हो गई हैं। सूचना पे तत्काल जो है हम सभी लोग, मैं भी मौजूद था उसमें थाने पे, हम इंस्पेक्टर साहब और 3 टीमें हम लोगों ने लगाई, हम लोग उसके बारे में जानकारी की। तो जानकारी करने पे ये जानकारी यही है कि लड़कियों के जो माता पिता हैं वो 5 साल से अलग रहते हैं, उनका विवाह है, एक छोटा बच्चा भी है जो माँ के साथ दिल्ली रहता है और ये इसका पिता राजेश है, वो भी दिल्ली में मजदूरी करता है। 6 तारीख को ही वो दिल्ली चला गया।
इसी बीच कानपुर से बड़ी खबर है, जहां पर यूपी उपचुनाव के मैदानों में अब 28 प्रत्याशी उतर चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 132 प्रत्याशियों ने 7 विधानसभा सीटों से नामांकन किया था, जिनमें 39 प्रत्याशी स्क्रूटनी में बाहर हो गए हैं, जबकि 5 प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस ले लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उपचुनाव को लेकर आज प्रत्याशियों का नाम वापस लेने का अंतिम दिन है, और इसी के साथ आपको बता दें कि 5 निर्दलीय प्रत्याशियों ने नाम वापस ले लिया है। बड़ी खबर आपको यूपी उपचुनाव को लेकर बता रहे हैं, जिसमें 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर अब 88 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, जिनमें से 132 प्रत्याशियों ने 7 विधानसभा सीटों पर अपना नामांकन दाखिल किया था, लेकिन इसमें 39 प्रत्याशी स्क्रूटनी से बाहर हो गए हैं। 5 निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपना नाम भी वापस ले लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 नवंबर को यूपी में उपचुनाव होने हैं, साथ ही 10 नवंबर को मतगणना होगी, जिसके बाद पता चलेगा कि आखिर किस पर जनता ने अपना भरोसा जताया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार सभी पार्टियां चुनाव को लेकर मैदान में उतर चुकी हैं, और इसी बीच अब सभी पार्टियां जीत का मंत्र देती हुई नजर आ रही हैं, और जीत के दावे भी लगातार पार्टियों की तरफ से किए जा रहे हैं। लखनऊ में सपा ने एक बार फिर बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा है कि बीजेपी सिर्फ समाजवादियों के कामों का ही उद्घाटन कर रही है। अनुराग भदौरिया ने और क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है, तब से लेके आज तक सिर्फ समाजवादी द्वारा किए हुए कामों का फीता काट रही है। समाजवादी ने जो जो काम किया है उसका फीता काटने में भारतीय जनता पार्टी व्यस्त रहती है। 3.5 साल हो गए, एक काम भी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू नहीं किया जिसको खत्म करके उन्होंने उसका फीता काटा होता। इसी क्रम में आज कैंसर हॉस्पिटल जो समाजवादी सरकार बना के गई थी, 3.5 साल से बना खड़ा था, आज उसका फीता मुख्यमंत्री जी काटने जा रहे हैं। इसलिए कहते हैं ना, समाजवादियों द्वारा किया हुआ काम आज भी बोलता है, और भारतीय जनता पार्टी के कारनामे बोलते हैं। वो सिर्फ समाज के अंदर नफरत की राजनीति करते हैं, नफरत का विकास करते हैं। समाजवादियों ने अपने कार्यकाल में इतना विकास किया है कि आज तक उनका काम बोलता है, समाजवादियों का काम बोलता है, और उसी क्रम में लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी घूम घूम के उत्तर प्रदेश में चारों तरफ समाजवादी किए हुए कामों का सिर्फ फीता काट रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर यूपी सरकार को पंजाब सरकार से बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी को यूपी लाने की कोशिश को अब झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी को पंजाब सरकार ने 3 महीने का बेड रेस्ट बता दिया है। साथ ही मधुमेह और अवसाद की बीमारी का हवाला देते हुए पंजाब सरकार की तरफ से बेड रेस्ट बताने का ये हवाला दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार यूपी सरकार मुख्तार अंसारी को यूपी लाने की कोशिशों में लगी हुई थी, जिसको लेकर अब पंजाब सरकार ने यूपी सरकार को बड़ा झटका दिया है। आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने कहा है कि मुख्तार अंसारी को 3 महीने का बेड रेस्ट है, और इसी के साथ मधुमेह यानी कि डायबिटीज और अवसाद की मानसिक तौर पर बीमारी को लेकर ये पंजाब सरकार ने हवाला दिया है। उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों ने अभी से कमर कस ली है। उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर पार्टी अभी से सक्रिय होने लगी है। लगातार कार्यकर्ताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टियों में जाना जारी है। राष्ट्रीय आदर्श पार्टी के कार्यालय में बीजेपी के कार्यकर्ता राजीव चौधरी ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी का दामन छोड़ राष्ट्रीय आदर्श पार्टी का दामन संभाल चुके हैं। इस मौके पर राजीव चौधरी ने कहा कि लगभग 400 से अधिक कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने राष्ट्रीय आदर्श पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से राष्ट्रीय आदर्श पार्टी लगातार उत्तराखंड के मुद्दों को लेकर सामने आ रही है, जिससे प्रभावित होकर उन्होंने बीजेपी को बाय बाय कहकर राष्ट्रीय दल पार्टी का हाथ थामा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर MS कटारिया ने कहा कि पार्टी हमेशा जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही है। साथ ही उन्होंने सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा।
देहरादून के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड के उत्पादों के लिए एक अम्ब्रेला ब्रांड बनाए जाने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को ग्रोथ सेंटरों में स्वयं जाकर वहां आने वाली समस्याओं का निस्तारण करने का भी निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इनके उत्पादों की ऑनलाइन मार्केटिंग की व्यवस्था की जाए और साथ ही स्थानीय बाजारों पर भी फोकस किया जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ग्रोथ सेंटरों से जुड़े लोगों विशेष तौर पर महिलाओं के आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है, इस आत्मविश्वास को और बढ़ाना है। ग्रोथ सेंटर आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल का अच्छा उदाहरण है। आज हमारे जो जिला प्रभारी जिनको पद दिया गया है राजू चौधरी जी, हम आज राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी में शामिल हो रहे हैं। 400 के लगभग समर्थक हैं इनके, उन सबको लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी में आज शामिल हुए हैं और एक जुझारू नेता रहे हैं अपने उसमें। इन्होंने बीजेपी में बड़ा अच्छा काम किया है और आज बीजेपी से बड़े निराश होकर के आज राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का दामन इन्होंने थामा है और अपने जो पीड़ा थी वो हम सबके सामने रखी और इसी बात को लेकर के आज हम लोगों ने इनको इनका स्वागत किया है और इनको जिला प्रभारी के पद से नवाजा है। इसी बीच आगरा से बड़ी खबर है जहां पर अछनेरा में विद्युत विभाग की लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि पिछले दिन से 1100 हाई टेंशन लाइन पर लगातार बंदर यहां पर लटका हुआ है, साथ ही हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से इस बंदर की मौत हो गई है। आपको बता दें कि 4 दिन से मामले में किसी अधिकारी ने इसको लेकर संज्ञान नहीं लिया है। साथ ही आपको बता दें कि अछनेरा थाने के पास की ये घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर अछनेरा में विद्युत विभाग की लापरवाही साफ तौर पर देखी जा रही है। पिछले लगातार 4 दिनों से 1100 हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया हुआ बंदर लटका हुआ है, लेकिन बावजूद इसके किसी अधिकारी ने इस मामले में संज्ञान नहीं लिया। साथ ही आपको बता दें कि अछनेरा थाने के पास की ही ये घटना है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से ये बंदर लटका हुआ है, लेकिन बावजूद इसके विद्युत विभाग के अधिकारी या फिर पुलिस के किसी अधिकारी ने इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया, जिसके 4 दिन बावजूद बीत जाने के भी इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज़।